हेलो स्टूडेंट्स, मैं रिंकल बांसल, पीजीटी कॉमर्स, गवर्नमेंट गर्ल्स इन सेकेंडरी स्कूल कालावाली, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा से आप सभी का आज के इस लेक्चर में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिबेंचर इशू एट डिस्काउंट कन्वर्जन इन टू शेयर। जो डिबेंचर्स हैं वो डिस्काउंट पर इशू किए गए हैं और उनको हमने शेयर्स में कन्वर्ट करना है। कब करना है? जब उनकी तारीख आ गई है भुगतान की, मीन जिस दिन उनको भुगतान होना है उसी दिन उसको हमने शेयर्स में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों, इस केस में कुछ भी नया नहीं है, तो बिल्कुल सिंपल वैसे ही इस क्वेश्चन को करना है हमने, जैसे हम क्वेश्चन करते हैं जब डिबेंचर्स जो हैं एट पार पर इशू किए जाते हैं और उनको शेयर्स में कन्वर्ट किया जाता है। वही एंट्री पास होगी, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। ठीक है, मान लीजिए 1 लाख रुपए के जो है डिबेंचर्स हैं, तो अमाउंट कितनी दी होगी डिबेंचर होल्डर्स को? 1 लाख रुपए। तो हमने पिछले केस में किया था, बिफोर ड्यू डेट वाले केस में हम क्या करते थे, वो डिस्काउंट क्रेडिट कर देते थे जो इशू के टाइम पर हमने उनको दिया है, मीन्स उसको कैंसिल कर देते थे। अब इस केस में हमने उसको कैंसिल नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल एंट्री ही पास होगी। उसके बाद हम उनको क्या करेंगे, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने उसकी पूरी फेस वैल्यू ही लेनी है, कितनी अमाउंट है यहाँ पर, ये 1 लाख। और उसको हम जिस तरह के इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। अगर हम उसको कोई न्यू डिबेंचर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर वो डिबेंचर्स अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितने अमाउंट से, जो यहाँ पर होगी हमारे पास फेस वैल्यू। तो ठीक है बच्चों, तो ये कंसेप्ट तो बिल्कुल ही आसान है और ये लास्ट कंसेप्ट है हमारे चैप्टर का। तो आइए अब हम इसके एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। बच्चों, अब है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 40। इसमें हमारे पास क्या दिया गया है कि 1 अप्रैल 2011 को ए लिमिटेड ने 2000 जो डिबेंचर्स हैं इशू किए हैं, और एक डिबेंचर 100 रुपीज़ का है और वो 10% डिस्काउंट पर इशू किए गए हैं, रिडीमेबल एट पार। उनका जो भुगतान है 4 सालों बाद एट पार पर होना है। कैसे होना है? बाय कन्वर्टिंग देम इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। उनको हमने कन्वर्ट कर देना है इक्विटी शेयर में, और एक इक्विटी शेयर कितने का होगा, 100 रुपीज़ का, और वो कंपनी उनको 25% प्रीमियम पर इशू करेगी। और कंपनी ने जो ये डिबेंचर्स हैं वो कन्वर्ट किए हैं कब, 1 अप्रैल 2015 को। बच्चों, जब भी आपने क्वेश्चन करना है तो एक बात ध्यान में रखनी है कि उनको कन्वर्ट किस टाइम पर किया जा रहा है, उनकी मैच्योरिटी डेट से पहले किया जा रहा है या उनकी मैच्योरिटी डेट वाले दिन उनको कन्वर्ट किया जा रहा है। 1 अप्रैल 2011 को ये इशू किए गए हैं, तो 4 साल हमारे बच्चों कब खत्म होंगे, 1 अप्रैल 2015 को, और उनको कन्वर्ट भी कब किया गया है, 1 अप्रैल 2015 को। तो इसका मतलब ये एट द ड्यू डेट कन्वर्ट किए जा रहे हैं। तो उस केस में हमने क्या करना है, सिंपल वैसे ही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है इन डिबेंचर्स की कन्वर्जन का, वो जो हम एट पार वाले केस में करते हैं, यानी हमने डिस्काउंट को कैंसिल नहीं करना है और उसके ऊपर हमने कोई ध्यान नहीं देना है। तो आइए अब हम इसकी जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, इशू के टाइम पर और रिडेम्पशन के टाइम पर। अभी हमने 40th क्वेश्चन को रीड आउट किया, उसमें हमारे पास क्या दिया गया है कि 1 अप्रैल 2011 को कंपनी ने डिबेंचर इशू किए हैं। तो इशू करने की पहली एंट्री क्या होगी, पैसे आ गए कंपनी के पास, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने, 2000 डिबेंचर्स हैं और एक जो डिबेंचर है बच्चों वो 90 रुपये में कंपनी ने इशू किया है, तो 7% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो ये आ गई अमाउंट हमारे पास 1,80,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद ये 7% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट क्रेडिट किया है, उसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। 2 7% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट
अलॉटमेंट अकाउंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कितने से? 1,80,000 से। इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे कहाँ पर? डिवेंचर्स अकाउंट में। तो डिवेंचर्स अकाउंट यहाँ पर क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। 2,000 डिवेंचर्स हैं और एक डिवेंचर्स का जो प्राइस है, मीन्स फेस वैल्यू है उसकी, वो 100 रुपीज़ है। तो ये आ गई अमाउंट 2,00,000 रुपीज़। ठीक है, तो जो 20,000 रुपीज़ है बच्चों, वो क्या है? डिस्काउंट। वो कंपनी का खर्चा है तो उसे हम क्या कर देंगे? डेबिट। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। 2,000 डिबेंचर्स हैं और एक डिबेंचर का डिस्काउंट 10 रुपये है, तो ये आ गई अमाउंट हमारे पास 20,000 रुपये। अब 1 अप्रैल 2015 को इन्होंने अपने डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट करवा लिया, तो 7% डिबेंचर्स अकाउंट यहाँ पर क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। ठीक है, अमाउंट ड्यू हो गई यहाँ पर। बच्चों ये बात ध्यान में रखनी है कि अब जो ये डिबेंचर्स हैं शेयर्स में कन्वर्ट किए जा रहे हैं कब? ड्यू डेट वाले दिन, उससे पहले कन्वर्ट नहीं किए जा रहे हैं। तो हमने डिबेंचर होल्डर्स को वही पेमेंट करनी है जो उनकी फेस वैल्यू है, अगर वो एट पार पर रिडीम किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर कितनी अमाउंट ड्यू हो गई डिबेंचर होल्डर्स को? 2,00,000 रुपये। यहाँ पर जो डिस्काउंट है वो कैंसिल नहीं किया जाएगा। ये मैं पॉइंट आपको बार बार बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पर जो पेमेंट है वो ड्यू डेट वाले दिन ही की जा रही है, उससे पहले नहीं की जा रही है। तो इसको अब हम क्या करेंगे? इक्विटी शेयर्स दे देंगे। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट यहाँ पर क्या होगा? डेबिट हो जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट हो जाएगा और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा हमारे पास। देखो बच्चों, 2,00,000 हमने उनको पेमेंट करनी है। एक जो शेयर है बच्चों वो कितने का है? 100 रुपये का, और कंपनी उनको कितने पर इशू कर रही है? 25% प्रीमियम पर। 100 का 25% करेंगे तो वो 25 ही आ जाएगा। तो मतलब एक जो शेयर है उनको 125 का कंपनी लगा रही है, तो कितने शेयर कंपनी उनको इशू करेगी? 1,600। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ शेयर्स निकल गए जो हम उनको देंगे उनकी डिबेंचर्स की पेमेंट के बदले में। 1,600 शेयर हैं और एक 100 रुपये का है, तो ये कितने के हो गए? 1,60,000 के। और ये 1,600 हैं और एक जो है उसके ऊपर प्रीमियम कितना है? 25 रुपीज़। तो ये कितना आ गया हमारे पास? 40,000 रुपये। तो ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन है हमारा, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर जो ये डिस्काउंट है वो हमने कैंसिल नहीं करना है इस केस में। क्यों नहीं करना है? क्योंकि जो पेमेंट है वो ड्यू डेट को की जा रही है और उसी दिन जो है डिबेंचर्स को शेयर में कन्वर्ट किया जा रहा है। बच्चों अब है हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 41। जब जो डिबेंचर्स हैं वो प्रीमियम पर रिडीम किए जाने हों, ठीक है, एक्स लिमिटेड है यहाँ पर, उसके डिबेंचर्स का बैलेंस आउटस्टैंडिंग है 30,000। 8% डिबेंचर्स हैं और एक जो डिबेंचर है बच्चों वो 200 रुपये का है, और 31 मार्च 2012 को उनको रिडीम किया जाना है 10% प्रीमियम पर। और एज पर टर्म्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडम्पशन की कंडीशंस के अनुसार जो कंपनी है वो रिडीम करेगी 50% डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर देगी किस में? शेयर्स में। और एक शेयर जो होगा वो 100 रुपये का होगा और वो 20% प्रीमियम पर इशू किया जाएगा। कब? 31 मार्च 2014 को। तो हमने इसके रिगार्डिंग एंट्रीज करनी है रिडम्पशन के टाइम पर। तो आइए जर्नल एंट्रीज हम पास करते हैं। देखो बच्चों, 41 क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया गया है कि जो कंपनी है एक्स लिमिटेड, उसके पास 30,000 जो शेयर्स हैं, ठीक है, और एक जो शेयर है वो 200 रुपीज़ का है। तो ये कितने के हो गए बच्चों? 60,00,000 के हो गए। और कंपनी ने डिबेंचर होल्डर्स को
ऑप्शन दिया हुआ है कि वो अपने हाफ जो डिबेंचर्स हैं वो कन्वर्ट करवा सकते हैं शेयर में, ठीक है? तो हाफ मीन्स कितना होगा, ये वो 30 लाख रुपीज़। और इन डिबेंचर्स की जो पेमेंट है वो प्रीमियम पर होनी है 10%, तो यानी वो क्या हो गया, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। 10% करेंगे 30 लाख का, तो कितना आ जाएगा, 3 लाख रुपए। तो टोटल कितना आ गया हमारे पास, ये 33 लाख रुपीज़ जो हमने पेमेंट करनी है उनको, जिसको हम कन्वर्ट करेंगे शेयर्स में। तो 31 मार्च 2014 को अब जो डिबेंचर्स हैं वो हमारे पास वापस आ गए, ठीक है बच्चों? कितने के, 30 लाख के, क्योंकि हमने 50% ऑप्शन ही उनको दी है। और इनका जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है वो भी क्या होगा, साथ में डेबिट हो जाएगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ये भी हमने उनको पे करना है 3 लाख रुपीज़। तो टोटल जो अमाउंट ड्यू हो जाएगी डिबेंचर होल्डर्स को कितने की होगी, 33 लाख की, ठीक है बच्चों? और हमने क्या किया है, कंपनी ने 100 वाला जो शेयर था उनको 20% प्रीमियम पर दे रहे हैं, मतलब कितने का, 120 रुपये का दे रहे हैं हम उसको, ठीक है? तो हमने उनको पेमेंट करनी है 33 लाख की। 33 लाख को हम 120 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो इसका मतलब हमने उनको कितने शेयर इशू किए हैं, 27,500 शेयर इशू किए हैं। तो एंट्री क्या होगी, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट यहाँ पर क्या होगा, डेबिट हो जाएगा, कितने से, 33 लाख से। और इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पर क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा, 27,500 शेयर है और 100 रुपीज़ का है, तो ये हो गए 27,50,000 रुपये के, ठीक है? और प्रीमियम पर इशू किए हैं तो साथ में सिक्योरिटीज़ प्रीमियम भी हो क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा यहाँ पर। 27,500 शेयर हैं और एक शेयर के ऊपर 20 रुपये प्रीमियम है, तो ये हो गया 5,50,000 रुपये। तो बच्चों आपको समझ में आया, जब हमने प्रीमियम पर डिबेंचर्स की पेमेंट करनी हो तो उस केस में जो ड्यू अमाउंट है वो क्या होगी, जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है उसको भी हम क्या करेंगे, शामिल करेंगे, क्योंकि हमने उनको अब पैसा कितना वापस करना है, 33 लाख वापस करना है, ना कि 30 लाख। ये प्रीमियम भी हमने क्या करना है उस समय फिर इंक्लूड करना है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 47। इसमें हमारे पास क्या दिया गया है कि 667 डिबेंचर्स हैं हमारे पास, ठीक है? उनको हमने कन्वर्ट करना है इक्विटी शेयर में, और इक्विटी शेयर में एक जो इक्विटी शेयर है वो 100 रुपीज़ का होगा और वो 25% प्रीमियम पर इशू किया जाएगा। तो बच्चों ये सबसे पहले हमारे पास डिबेंचर्स वापस आ जाएंगे, 12% डिबेंचर्स अकाउंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और डिबेंचर होल्डर्स को अमाउंट ड्यू हो जाएगी। तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट कितनी, 667 डिबेंचर है और एक डिबेंचर 100 रुपये का है, तो ये आ गई 66,700 रुपये बच्चों। उसके बदले में हमने इनको क्या देने हैं, इक्विटी शेयर देने हैं। अब कितने इक्विटी शेयर दिए जाएंगे, अब देखो 66,700 रुपये हमने उनको देना है, और एक जो इक्विटी शेयर है वो 100 का है, 25 रुपये प्रीमियम पर वो इशू किया जाएगा, यानी कितने का हो गया, 125 का। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने आ गए, 533.6। अब जो शेयर है बच्चों वो पॉइंट्स में तो हो नहीं सकता, तो इस वजह से जितने शेयर्स इशू किए जाएंगे उतने पैसे निकालने के बाद अगर कुछ पैसे बचेंगे तो वो हम उनको कैश में वापस करेंगे। तो यहाँ पर जो ये डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट क्रेडिट है तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, कितने से, 66,700 से, ठीक है? टू
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट यहाँ पर अब क्या होगा, क्रेडिट होगा। कितने शेयर दिए हैं हमने उनको कंप्लीट, 533, और ये कितने का है, 100 रुपये का, तो ये आगे 53,300 रुपये। टू सिक्योरिटी प्रीमियम, वो कितना आएगा, हमारे पास 533 शेयर हैं और एक के ऊपर प्रीमियम है 25 रुपये, तो ये आ गया 13,325 रुपये। अब अगर हम इनको ऐड करते हैं बच्चों, तो ये 66,700 रुपये नहीं बनते हैं, कितने रुपए कम बनते हैं, 75 रुपये। तो 75 रुपये हमें क्या करने पड़ेंगे, उनको वापस करने पड़ेंगे, क्योंकि 75 रुपये का कोई भी शेयर नहीं आता है हमारे पास, तो वो 75 रुपीज़ हम उनको क्या करेंगे, वापस कर देंगे। तो बच्चों इस क्वेश्चन में यही बात नहीं है कि यहाँ पर जो शेयर्स हैं वो फ्रैक्शंस में आ रहे हैं, तो इस वजह से शेयर्स इशू करने के बाद कुछ पैसे हमारे पास बचेंगे, तो वो हमें क्या करने पड़ेंगे, वापस करने पड़ेंगे। तो इसी के साथ बच्चों ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें लिखकर भेजते रहिए। थैंक यू।